अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और एक वीडियो हुसनैन भाई के माल की पहले आ चुकी है, उस पर मैंने आपको जो उनके टॉप के जानवर थे ना माल के, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ सर। जानवर और भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी बकरियाँ मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। आज मेरा बेसिक जो इरादा है वो ये है, मैं आपको छोटी पट्ठे इनके जो छोटे ब्रीडर है वो दिखाऊँ इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में आपको हुसनैन भाई का माल बहुत अच्छा लगा था, आपने काफ़ी प्यार भी दिया था, ठीक है। इस किस्म की बकरियाँ इनके पास मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले वीडियो में भी आ चुकी हैं। इस वीडियो का जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके पास जो छोटी पट्ठे हैं, छोटा ब्रीडर है, वो कौन से हैं और क्या ये सेल करेंगे नहीं करेंगे, और कोई बंदा ख़ुद इनके पास आता है तो क्या ये उनसे अच्छे तरीके से डील करेंगे नहीं करेंगे। मैं तकी तो इन्हें की है कि आपने अच्छे तरीके से ना मेरे भाइयों से डील करनी है, ठीक है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले व्यूअर्स, उनसे बात करते हैं और उनकी जो अभी बिल्कुल क्रॉस नहीं हुई छोटी चीज़ें ना, इनके बकरियां वगैरह बकरे वो देखते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम हुसनैन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है सर? ठीक साथी। हुसनैन भाई, तुम्हारी एक वीडियो पहला आ चुकी, माशाल्लाह लोगों ने ना बहुत प्यार दिता उन्होंने सर, तो उम्मीद है तुम्हारे उन्होंने अच्छे तरीके से तावन भी किया होना, तुम्हें भी किया होना। अच्छा हुसनैन भाई, आज तुम सू ना जो माल से बिल्कुल जो छोटिया पट्ठा ने या मीन के जो क्रॉस नहीं हुई उस थले थले, ठीक है ना, वो चेक करानी, उन्होंने क्वालिटी भी चेक करानी है। माशाल्लाह जी, ए हुसनैन भाई पट्ठ बिल्कुल एक दफा भी क्रॉस नहीं हुई? बीतल चीज है जी, बीतल है, ठीक है। तो भैया इसके कान भी मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, इसका मुँह भी चेक करवा रहा हूँ। इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा काले मुझे लगता है कि, ठीक है ना, रिसीव करवानी है, तो ये चीज़ अच्छी है। इसने भी किन्ने दंद है पट? धुंधी हो गई, धुंधी हुई है जी। हाँ जी हाँ जी, उन्हें बकरा ऐसे छोड़ांगे लग सी फिर बच्चे देसी है जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ठीक है हुसनैन भाई। कान्ने दे थोड़े जी खोलिया जरा, हाथ ना उतन करे जी, ठीक हो गया, ठीक है माशाल्लाह। चौड़े भी ने जी, तो बिल्कुल स्ट्रेट ने, कोई बिच वाल बुल नहीं है, सोहनी चीज़ है हुसनैन भाई, माशाल्लाह। छोड़ो इन्हें सर, ए चेक कराओ सर, चलो जी आ चेक करा लो, इन्हें तो बकरा छोड़ सा जी फिर बच्चे दे सन अपन, ठीक है। हुसनैन भाई वैसे तो चीज़ साड़ी असं इस वे तो दिखा रहे, एक तो सोहनी है, दूसरी अगर इन्हों का मीन के बच्चे वगैरह आते तुम भी लोगों सेल करोगे या नहीं करोगे? बस शौकीन कोई आ जाए दोस्त फिर देना पाया जाता जी, ठीक है जी। तो व्यापारी नहीं तुम? हाँ जी, बेचते नहीं, व्यापारी नहीं है, ओवें मीन के कोई बंदा आता है? हाँ जी, कोई बाइक आ जाता दोस्त आ जाता फिर उन्होंने मजबूर कर देना, ठीक नस्ल दे देने। गुड हो गया हुसनैन भाई, ए पट्ठ भी बिल्कुल एक दफा भी क्रॉस नहीं हुई? नहीं हुई जी। हाल इनके दंद किन्ने होने हुसनैन भाई? ये भी दुंदी है जी, दुंदी सोन जा सारियां कठियां ही होनी है, ठीक हो गया सर। छोड़ो आगे आओ सर। तो बस बेसिकली ये चीज़ें सेल वाली नहीं है, लेकिन हुसनैन भाई ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जब ये किड्स वगैरह प्रोड्यूस करेंगी या उनके अलावा छोटे बच्चे हैं, तो अगर कोई दोस्त में इनके किसी दोस्त को इनका माल अच्छा लगता है ना तो इनके पास आता है। इनका एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, साहिवाल में व्यू होटल के साथ है 85 वल, तो वो ये उनका एड्रेस है, इनका नंबर भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में लेके दूंगा। हुसनैन भाई ये भी पार्ट क्रॉस हुई एक दफ़ा या कोई? नहीं कोई नहीं क्रॉस हुई, सारियाँ फ्रेश चीज़ें आ रही हैं जी। हाँ जी, ठीक हो गया सर। छोड़ो, माशाल्लाह चीज़ अच्छी है जी। ब्लैक पिन पेपर ये पीतल है, इसका नाक चेक करें माशाल्लाह, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है ना। सिंगी भी बिल्कुल छोटी छोटी है, और ये चेक करें ये चीज़ भी। हुसनैन भाई जी बकरियाँ छोटिया तुम दिखा रहे जे, इन्हें नक् वगैरह बड़े गोल ने जी, तो इन्हों तो सर बक पट्ठा ही ने मीन के हजे तक साल साल दी हुई ने। इन्हों का जो बकरा सी इस टाइम तुहाडे कोल मौजूद आ गया होया बाहर या की हिसाब किताब? जी दोस्त लैके गए ने, दोस्त लैके वो लिया के छोड़ांगे फिर, एक चाचा अशरफ कोल बकरा उत्थे चौठ च गुजा रहा गुजर, ठीक है जी, उन्होंने कोल बकरा लिया के छोड़ांगे फिर वो बिच लिया के नसल बता के फिर अगर। गुड हो गया हुसनैन भाई, बड़ा शौक है जी सानू, असीं शौक ना रखे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कोई दोस्त आ जावे मजबूर कर देवे तो उन्हें बच्चा दे देने, नहीं तो कोई नहीं बेच सेल असीं कदे नहीं कीती। मीन के अपना व्यापारियां वाला कोई सिस्टम नहीं? नहीं कोई सिस्टम, लेकिन अपनी मीन के रोजी तो बिल्कुल आप इत्थे ही कमानी है जी। जी ठीक हो गया सर। चलो हुसनैन भाई इस चीज़ को छोड़ो, इनका नक मुँह वगैरह बहुत प्यारा व्यूअर्स, और कान भी अच्छे हैं और अभी बिल्कुल फ्रेश है, आ चीज़ चेक कराओ सर। हुसनैन भाई बकरियाँ तुहाडियां जिहड़ी सिंगी है ना बहुत माशाल्लाह छोटी ते गोल है, बहुत प्यारी चीज़ है जी। अभी घर दियाँ बकरियाँ ने इक्को नसल दियाँ जी। गुड हो गया, नसल कोई और गलत नहीं, बकरा गलत नहीं छोड़ना। हुसनैन भाई आप बकरियाँ का काम तुम अज कितने साल पहले शुरू किया? अपनी गल तकरीबन मैंने जी मेरी उम्र तो तकरीबन 30 साल हो गए, ठीक है जी, लेकिन मैंने हो गए 20 साल बकरियाँ का काम कर रहा है, ठीक है हुसनैन भाई। अच्छा हुसनैन भाई माशाल्लाह चीज़ें तो अच्छी ने। हाँ जी हाँ जी भाई,
तो इलाके तुम छुपे जो किसी बंद ने अजे तक यूट्यूब तो तुम्हारी वीडियो नहीं आई फर्स्ट टाइम है चीज़ें तेरे को बहुत प्यारियाँ माशाल्लाह उम्मीद है लोग तेरे रब्ता भी करेंगे। अच्छा भी लोग आते हैं वीडियो शीडियो बना के ला जाते हैं। अच्छा अच्छा असं सेल कद नहीं जानवर किए शौक ना रखे माशाल्लाह जी कोई दोस्त है जो तंग कर दे चाचे अशरफ साहब और मेहरबानी गुजर साहब के बच्चे बुचे मतलब नसल उन्हें बताई माशाल्लाह जी बकरा असं उन्हें बड़ी पुरानी नसल ठीक है उतो लिया के फिर असं नसल बता रहे। अच्छा सुनैन भाई नसल तुम्हें बकरियों की बधाई है। हाँ जी पहला जो अज तो 20 साल पहले जो तुम इस फील्ड बकरियां चारण वाले पास आए थे उदो तुहाडे कोल बकरियां दी कीड़ी नसल सी उदो भी आ चीज सी या थोड़ी जी लो क्वालिटी सी? नहीं जी बिल्कुल लो बकरियां फिर बकरा उथो चौठ छु गुजर चाचे को लै के आंदे रहे अशरफ को ठीक है चंगे चंगे रेवणा को लैंदे रहे पाल के फिर आदा बकरा क्रॉस कर कर के उंदे कोल बकरा लैंदे रहे जो दे दे असीं छोड़ देईए फिर नसल वधदी पट्ठा तैयार होंदा अज माशाल्लाह बकरियां हुण 60-70 बकरी है छोटियां कोई पट्ठा ने तरीके नसल इक्को ही है माशाल्लाह जी। नहीं जी बकरियां तुहाडियां बहुत प्यारियां ने ते क्वालिटी नजर आ रही है देखने वाले नूं आप ही अंदाजा हो जाना है कि चीज़ की क्वालिटी है चीज़ की की वैल्यू है माशाल्लाह बहुत ही ना प्यारी चीज़ है सर। छोड़ो सुनैन भाई इनू यह चीज़ा हूँ आप बच्चे छो सारे छोड़ दो दिखाना नहीं हूँ इस तो मैंने जो इस एज के है ना ए छोटा बच्चा नहीं नज़र आ रहा इन एज के जो तेरे को टोरी टोरी बच्चे है सोहने सोहने वो सानू चेक करा दो कुछ तो व्यूअर्स सुनैन भाई हमें ना जो छोटे बच्चे हैं जो इन्होंने इस दफ़ा तैयार किए हैं ब्रीडर यूज़ करके वो चेक करवाने वाले हैं अभी और इनकी क्वालिटी मैं चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह जी हसन भाई तुम्हें पट्ठा ने? हाँ जी हाँ जी पट्ठा माशाल्लाह जी काफ़ी पट्ठा आ गया ठीक है जी ठीक है सैन भाई कन्न वगैरह भी इन्होंने सोहने हैं नक् भी बहुत सोहने हैं जी और सेंटर वाली पट का माशाल्लाह काफ़ी इनकी इस पट की मांग हैगी अपने को जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी पहले तो वीडियो तुम बना चुके हाँ जी वीडियो एक नसल दी सारी कोई अपने मावा साहब ठीक और पहली वीडियो सारिया जी बड़ी बकरियाँ मावा जिन्हें भी बच्चे अब आप दिखावे गुड हो गया तो चलें व्यूअर्स मैं आपको दिखा असैन भाई ए बकरा तैयार कर रहे हैं इनको मिनके ब्रीडर के तौर पर अगर वाला बकरा बनाना है। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह जी इसकी उम्र सर कितनी होनी है? इसकी उम्र तकरीबन 4-5 महीने का हो गया जी दूध पीता अजे तक ठीक है 4-5 के दरमियान है अगर जवान करके बेचे तो अपना 2 लाख का 3 का इतने वेख जाना है बड़े बकरे बन दे वड्डा बकरा तैयार हो सी जो तैयार कर से इन्ने दा तेरा वेख जाना है माशाल्लाह लेकिन असीं पाल के फिर ज्यादा बेचते नहीं आप ही पाल के फिर क्रॉस कर देने ठीक है ठीक है। अच्छा आप पटदा सैंडविच जरा मुंह चेक कराया जो बहुत ना हाई क्वालिटी की चीज़ है बस इसका नाक वगैरह चेक करें सिंगी इसकी चेक करें और इन जितने भी बच्चे मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ना इनकी जो माएँ वगैरह वो एक वीडियो पहली में आ चुकी हैं। अच्छा एक के थे यार और पार्ट सी लाल कलर दी वो किधर गई? चलो कोई नहीं बस ठीक है अच्छा माशाल्लाह असन भी इस दफ़ा बकरियाँ तो मीन के तेरे को बकरियाँ टोटल 110-15 या 20 इन क्या है तो इस दफ़ा किन्ने बच्चे तैयार किए बकरियाँ तकरीबन 20 बच्चे तैयार किए इस सूबे के ठीक है तो सुनैन भाई तुहानू की लगता तुहाडा 20 साल एक्सपीरियंस है बकरियां चारण दा अजकल लोग ना इस बकरियां दे काम च बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी हाँ मैंने तकरीबन कैनेडा इंग्लैंड तो लोगों दी कॉल आंदी है कि भाई असीं भी ना आके आ काम करना चाहते हैं तो सानू गाइड करो उस सिलसिले तुहानू मैं सवाल पूछना सर बंदा बकरियां चरा के या फार्मिंग करके फार्म बना के अपना एक अच्छा रोजगार बना सकता है? बना सकता है जी शौक ना रखो शौक ना दी देखभाल करनी पौंदी बन जांदा चंगा मिन के सर्कल चल जांदा है। हाँ जी बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा प्यारा तुसी मेरे को 10 वीक ला जांदे ने सेल तो मैं कर देसा फिर वो मेरी मशहूरी होनी कि मेरी नसल दी बकरियां मैं अपनी मशहूरी करा देसा सही जी इस तरह जी मैं तुहानू दस रहा कि चाचा अशरफ गुजर को असीं बकरियां ला के बताईए इसे तरह साडे को 100-150 बकरी जिहड़ी मतलब 110 होई सही इस तरह ही होई साडे माशाल्लाह जी परवेश नाल होना जी परवेश असीं बड़ी मेहनत नाल सारा दिन नहीं बस इहनां दी ठीक है। अच्छा सुनैन भाई आप तो तुम तो अजकल मीन के चराई बेसिकली तुम करते चराई जी फसल आप दी गड़ने आ जी उन्हें छोड़ के रजा के इन्हों शाम इन्हों का पेट भर के जा ठीक है ताड़ा एक दिन का बकरियाँ तो माशाल्लाह तुहाडे को 110-15 या 20 जिन्ने भी जानवर ने इन्हों का एक दिन का तुहाडे को तुहाडा को खर्च आंदा नहीं खराच असीं गिणिया ही कदे नहीं जो खा पी जाणा इन्हां सानू दे रही असीं इन्हां नूं बताई जा रहे हैं बस इन्हां दी ठीक हो गया गुड हो गया सुनैन भाई इन्हों वास्ते 5 किले जी पैली ले ठेके से जी खुली है खाना पीना जो खावे गड दिता पट्ठा ठीक है सुनैन भाई एक किले का मीन के की ठेका चल रहा वाली साइड से 30,000 चल रहा जी। अच्छा जी एक का 30,000 से 5 का 1,00,000 1.5 लाख हो गया 5 किलिया का बहुत ही मीन के मुनाफे वाला काम है जी फिर तो जी जी
अच्छा सुनैन भाई अपने को आ चीनी वाइट कलर से बीतल है स्पेल कर दी बकरी है जी आपने सिर्फ कलर इस तरह चेंज कर गई है बीतल है हां जी ठीक है मिनके सफेद कलर से बकरी नसले सारी इना दे विचो अगा बरास मतलब बकरा को लांदा ओथो ही असी चाचे कोलो गुड हो गया सर गुड अगा पाठ चंगी होन जदो टाइम ते सोवेगी 3-4 किलो 5 किलो दूध देवेगी माशाल्लाह जी ए हजे किन्ने एक देर दी मिनके लगी सुन वाली की मतलब एक बार जी खराब हो गई बच्चे सुट दिते उस तो बाद ए लगी नहीं होने ना लगेगी ते फिर चंगी माशाल्लाह इधर अच्छा ए बच्चे सटन तो बाद भी माशाल्लाह इन्हें अच्छा हवाना किया है ठीक है जो अच्छी सोएगी फिर तो काफी अच्छा करेगी इन्हें थान भी माशाल्लाह गोल ने थलो कि थले लमक सकते हैं गुड होगा सुनन भाई ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੇਂਜ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਬੋਲੋ 0341 1459 1489 280 280 ਤੇ ਉਹ WhatsApp ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਪ ਮਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਅਸਨ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਬਨ 9-9.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਚਲੋ ਤੋ ਯਾਰ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਇੱਕ ਡੌਗ ਹੈ उसका भी इन्हें काफ़ी शौक है तो वो आपको चेक करवा देते हैं बस इनका शौक ही है और कुछ भी नहीं है छड़े काके छड़ दे दो छड़ दो उधर जान दो माशाल्लाह अच्छा असलैंड भाई इन रखने का कोई फायदा या वैसे जानवर का ख्याल करती है जी अगे पीछे कोई भी चीज आवे तो जानवर मतलब आवाज देसी भी चीज आ गई फाड़ ले सी क्या बात है लागे नहीं आन देंदी बस ए शिकारी चीज है हां जी मोड़ लेंदियां ने वट्टा सोटी ता फिर अगू जाके क्रॉस करके हटा के लानी बकरियां डक लेंदी हां जी हां जी माशाल्लाह ए मादी है ते फिर नर रखांगे ओ माशाल्लाह बड़े अच्छे बड़े चंगे बनेंगे ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਲ ਸੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਫੰਡ ਜੀ ਲੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਨੇ 40-50 lakh ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਪਵਾਉਣਾ ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਸਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਬਸ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ ਬਾਈ ਤੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀਰਸ ਅਭੀ ਸਨ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇਨਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ काफी ज्यादा दोस्तों का डॉग का भी शौक होता है तो ये चेक करें सर ये शिकारी ब्रीड है ना शिकारी जिन कहते शिकारी है जी वलैती साइड आते बजान वाले ठीक है रेसर भी है हां जी जी मुकाबला बजान वाले माशाल्लाह जी सोनी चीज है जी मुंडा काफी अच्छा है ठीक है दोवे चंबेर जाओ एक ना छोड़ दो चलो ठीक होगा सर अभी बस छोड़ दो बच्चे बहुत हो गए तो बस चले वीडियो एंड करते हैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी उस्मान भाई के माल की ये क्वालिटी है अच्छा माल है सारा इनके पास और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चले वीडियो एंड करते हैं।